जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यानी कि MPHC क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2021 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है इंटरव्यू के लिए। तो आपको ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसका प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट का एडमिट कार्ड आया है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इस वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप टूडे बेस्ट जॉब के अंदर या फिर रिसेंट पोस्ट के अंदर MP हाई कोर्ट ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2021 फॉर इंटरव्यू इस पोस्ट को देखेंगे। आपको ये पोस्ट ओपन करनी है। पोस्ट ओपन होने के बाद आपको यहां पर भर्ती की जानकारी जानने को मिलेगी। आपको यहां पर नीचे आना है और डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। बट आपको मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ये बता दूं कि अभी कौन सी डिस्ट्रिक्ट का एडमिट कार्ड आया है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग इंटरव्यू डेट नोटिस PDF के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जानने को मिलेगा कि कौन से जिला एवं सत्र न्यायालय का इंटरव्यू किस डेट में होगा। आपको यहां पर सभी जिले दिए हैं और उनकी जो इंटरव्यू डेट वो भी यहां पर दी गई है। आपको अच्छे से देख लेना कि आपने कौन से जिले के लिए अप्लाई किया था और कौन सी डेट में फिर आपका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो आपको बोला है कि स्टार से चिन्हित जिले के अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 18 दिसंबर 2021 सायंकाल यानी कि दोपहर के बाद में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही जिन डिस्ट्रिक्ट के सामने डबल स्टार लगे हैं वो अपना एडमिट कार्ड 28 दिसंबर 2021 से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी आपको यहां पर इसके टेबल के ऊपर आना है और देख लेना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के सामने एक स्टार लगा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के सामने दो स्टार लगे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी डिस्ट्रिक्ट के सामने एक स्टार लगा है तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो अभी आपको देख लेना है। तो बेसिकली आपको यहां पर जो डाउनलोड लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपकी यूजर आईडी एंटर करनी है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिली थी। यहां पर पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है। फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। आप यहां पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेंट डिटेल है इसके सामने आपको एक एडमिट कार्ड का सेक्शन देखने को मिलेगा। जिस कैंडिडेट की ये इंफॉर्मेशन है जिसका मैं आपको ये इंटरफेस दिखा रहा हूं, इसका जो इंटरव्यू है वो आपका जो 28 दिसंबर को एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद होगा। तो इसलिए यहां पर ये इंटरफेस नहीं आ रहा। बट आपका जो एडमिट कार्ड का लिंक है या एक बॉक्स है इसकी के बराबर में देखने को मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का PDF है वो मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली अपने एडमिट कार्ड का जो PDF है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हिंदी के अंदर दिए गए होंगे, आपको उनको अच्छे से रीड करना है। जो चीज़ें आपको लेकर के जाने को बोली है वो चीज़ें आपको लेकर के जानी है, और जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया वो आपको नहीं लेकर के जानी है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहीं पर आना है जहां से आपने डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक के ऊपर क्लिक किया था, और फिर इसके बाद आपको यहां पर नीचे आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपका नेम देना है, आपकी ईमेल आईडी देनी है, फोन नंबर देना है, और मैसेज के अंदर आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। साथ ही नीचे लिख देना है MPHC ग्रुप डी एडमिट कार्ड। तो ये सब जानकारी देने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दिया जाएगा, और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग MP हाई कोर्ट ग्रुप डी इंटरव्यू एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।